गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए मेरा ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 करंट हंड्रेड कैटरपिलर जो आपका ये चल रहा है दयालु कैटरपिलर का, ये अभी हमारा मिडिल में है चैप्टर। इस चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं, ध्यान से पढ़िए और उसको समझिए जरा कहाँ से। कल हमने यहाँ से आपका देखे छोड़ा था एंड द ग्रीन कैटरपिलर, देखिये वो फिर एक बार फिर से देख लीजिए जहां से कल छोड़ा है। एंड द ग्रीन कैटरपिलर took another turn round the butterfly egg and the green, और जो हरी कैटरपिलर थी, हरे रंग की थी, क्योंकि हरी चीजों के जो हरे कीड़े होते हैं वो हरे ही कलर के होते हैं। एंड द ग्रीन कैटरपिलर, और वो हरी कैटरपिलर जो थी took another turn round the butterfly egg, एक बार कैटरपिलर पीछे उड़ी और उसने जो तितली के अंडे थे उसके चारों ओर एक राउंड और लगाया। जो कैटरपिलर है वो जो गोभी के पत्ते को उसने अंडे दिए हैं, किसने? बटरफ्लाई ने। एक बार पीछे मुड़ी और उसने उन अंडों के चारों ओर एक बार फिर से चक्कर लगाया। एट लास्ट अंत में द लार्क्स वॉइस बिगन टू बी हियर्ड, अंत में फिर जो लार्क की आवाज है, जो लवा है जो ऊपर उड़ रहा है आकाश में उड़ता है, इसको हिंदी में लवा कहते हैं, इसकी जो आवाज थी वो सुनाई थी दोबारा, फिर इसकी आवाज सुनाई थी। द कैटरपिलर ऑलमोस्ट जम्प फॉर जॉय, जो कैटरपिलर थी मारे खुशी के उछल पड़ी, कूद पड़ी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि यही इस बच्चे की अंडे से जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कर लेगा। तो लार की आवाज बिगन टू हियर अगेन कुडंट, फिर सुनाई देने लगी थी अभी से। द कैटरपिलर ऑलमोस्ट जम्प फॉर जॉय, कैटरपिलर जो थी बहुत अधिक खुशी से उछलने लगी। The caterpillar and it was not long before she saw her friend descended with hasty note to the caterpillar. अब उसे क्या लग रहा था कि अब बहुत समय नहीं लगेगा, मतलब it was not long before, मतलब बहुत समय नहीं लगेगा जब वो अपने मित्र को गोभी के जो बंद गोभी के का जो बेड है, बिस्तर है, उसपे उसकी वो आवाज जो है उसे सुनाई होगी। मतलब लार्क आएगा और गोभी के पत्ते के ऊपर क्या करेगा, जो अंडे से बच्चे जो हैं वो उसे उनकी देखभाल करेगा। तो कह रही है फिर से गोभी के, तो गोभी के पत्तों का यानी बंद गोभी के पत्तों का जो बेड है, इसके हिंदी में बंधा भी कहते हैं, बंद गोभी के बेड में उसकी आवाजें फिर सुनाई देने लगेंगी। अब वो सोच रही है कौन कैटरपिलर, ठीक, कि उसकी आवाजें फिर से देखे। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर, अब लंबा समय नहीं लगेगा, सी सा हर फ्रेंड डिसेंड, जब वो देखेगी, हमारी बॉस में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जब वो अपने मित्र को देखेगी डिसेंडेड विद, नीचे उतरेगा, हस्टिल नोट्स माने बहुत ही सप्रेस्ड आवाज के साथ, टू द कैबेज बनाने गोभी के पत्ते का, बंद गोभी का जो बिस्तर है यानी जहां वो अंडे है, ठीक। आगे देखिए, न्यूज न्यूज ग्लोरियस न्यूज फ्रेंड कैटरपिलर सैंग द लार्क, लार्क ने गाना गाते हुए क्या कहा, न्यूज न्यूज खबर खबर, ग्लोरियस न्यूज बहुत ही शानदार खबर है, मेरे फ्रेंड कैटरपिलर बहुत अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, बट द वर्स्ट ऑफ इट इज, लेकिन इसमें सबसे बुरा क्या है, जैसे बैड माने बुरा होता है, बैड वर्स्ट 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 माने सबसे बुरा, तो इसमें वर्स्ट दिया हुआ है, देखिये सुपरलेटिव डिग्री, बट द वर्स्ट ऑफ इट इज, लेकिन इसमें जो वर्स्ट चीज है वो सबसे क्या है, वो ये है कि यू वुड नॉट बिलीव मी, लेकिन सबसे खराब बात क्या है कि आप उस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, समझ में आया। लेकिन सबसे बुरी बात क्या है, ग्लोरियस न्यूज है, खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन सबसे खराब बात क्या है कि आप उस खबर पर विश्वास नहीं करेंगे। आई बिलीव एवरीथिंग, मैं हर चीज पर विश्वास है, आई एम टोल्ड, मैं तुम्हें बताती हूँ, सेड द कैटरपिलर हेस्टली, कैटरपिलर ने बहुत जल्दी से कहा, क्या कहा, आई बिलीव एवरीथिंग, मुझे हर चीज पे विश्वास है, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया है, सेड द कैटरपिलर हेस्टली, कैटरपिलर ने बहुत ही जल्दी से कहा, हेस्टली माने शीघ्रता से कहा। वेल ठीक है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है तो सबसे पहले, अब इससे बताना शुरू किया, आई विल टेल यू, मैं आपको बताता हूँ, दीज लिटिल क्रिएचर्स आर टू ईट, कह रही है अच्छा ठीक है तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूँ, क्या बताती हूँ, What these little creature are to eat? इन्हें क्या क्या खिलाया जाना है, are to eat, इन्हें इन प्राणियों को आज क्या खाना है। And the lark nodded his beak, और जो लार्क था उसने अपनी पीठ से यानी चोंच से
हिलाक्सा क्या कहा? हाँ तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ, आई विल टेल यू व्हाट दीज लिटिल प्लेजर आर टू टीच आर टू ईट, इन छोटे बच्चों को क्या खाना है, समझाया? आर टू ईट क्या खिलाया जाना है। एंड द लार्क नोडेड, नोडेड माने सर हिलाकर मना करना, और जो लार्क था उसने अपनी चोंच से सर हिलाकर क्या किया, मना किया। क्या कहा? टूअर्ड द एग, मतलब उसने अपनी जो चोंच थी उसको सहलाते हुए किसकी तरफ की, एक्स माने अंडों की तरफ किया, उसने अपनी चोंच से अंडों की तरफ उसको किया। एंड व्हाट डू यू थिंक इट इज टू बी, अच्छा व्हाट डू यू थिंक इट इज टू बी, आप क्या सोच रहे हैं इस समय कि क्या होना चाहिए? यस, अनुमान लगाओ कि अब उसे चोंच उधर करके तरफ अंडों की तरफ चोंच करके की, अच्छा अब अनुमान लगाइए क्या होना चाहिए। डू एंड द हनी आउट ऑफ फ्लॉर, क्या खिलाना है बताओ जरा, उसने कहा कि क्या खिलाया जाना है बताओ, तो वो कहता अच्छा गेस करो क्या खिलाया जाना है, तो ड्यू एंड हनी आउट ऑफ फ्लॉर्स आई एम अफ्रेड साइन द कैटरपिलर, कैटरपिलर ने क्या कहा कि इन्हें शहद और पराग खिलाना है, जो अंडे से बच्चे होंगे कह रहे उनके ड्यू एंड हनी आउट ऑफ फ्लॉर्स, जो फूलों से पराग और शहद निकलता है, कहते हैं साइन द कैटरपिलर, कैटरपिलर ने गहरी सांस लेते हुए कहा लेकिन आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर लगता है, कह रही समय क्या कहा कि मुझे डर लगता है, ड्यू एंड हनी आउट ऑफ फ्लॉर, जब फूलों से शहद और पराग निकलता है वो खिलाया जाना है, बट आई एम अफ्रेड, लेकिन मुझे डर लगता है। नो नहीं, सच थी ओल्ड लेडी, ऐसी चीजें ओल्ड लेडी उसको कह रहा, ठीक है ना, कह रहा समथिंग ओल्ड लेडी किसको कहा, हाँ लार कह रहा, ठीक है, नो सच थिंग, ऐसी चीजें नहीं, समथिंग सिंपलर देन दैट, इससे भी कोई हल्की चीज खिला दिया नहीं है, समथिंग यू कैन गेट एट क्वाइट इजली, कुछ ऐसी चीज जो तुम्हें बिल्कुल सरलता से मिल जाए, है ना, शहद और पराग तो बड़ी कठिनता से मिलेगा और इससे भी हल्की चीज जो बहुत सरलता से मिल जाए। आई कैन गेट एट नथिंग क्वाइट इजली बट कैबेज लीव्स, मर्मर द कैटरपिलर इन डिस्ट्रेस, देखिए आई कैन गेट एट नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं मिल सकता है, कैसे नहीं मिल सकता, क्वाइट इजली मतलब बिल्कुल सरलता से कहो तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर हम बिल्कुल सरलता से कहें तो कुछ भी नहीं मिल सकता है। कहता कि मर्मर द, केवल किसको छोड़कर, बंद गोभी के पत्तों को छोड़कर मुझे सरलता से कुछ भी नहीं मिल सकता है, कैटरपिलर कह रही है। मर्मर माने धीमी आवाज में कहा, द कैटरपिलर माने उस कैटरपिलर ने धीमी आवाज में कहा, इन डिस्ट्रेस माने दुखी होकर, दुखी होकर क्या कहा कि मुझे इतनी बिल्कुल सरलता से कुछ भी नहीं मिल सकता, केवल बंद गोभी के पत्तों को छोड़कर, समझा रहा, केवल बंद गोभी के पत्तों के ऊपर तो सिर्फ अंडे हैं ही, तो कह रही केवल बंद गोभी के पत्ते को छोड़कर मुझे कुछ भी इतनी सरलता से नहीं मिल सकता। यह कैटरपिलर ने बड़ी धीमी आवाज में कहा, नेवर कभी नहीं, सेड द कैटरपिलर इंडिग्नेंटली, जो कैटरपिलर है उसने बड़ी घृणता से, बड़ी धीरता से, मैं बड़ी घृष्टता से कहा, नहीं नेवर कभी नहीं मिल सकता, इट वॉज दियर डाइंग मदर्स रिक्वेस्ट, ये उसकी मरने वाली या उसकी मर रही माँ की ये रिक्वेस्ट थी, ये प्रार्थना थी, दैट आई शुड डू नो सच थिंग, कि मैं ऐसा कुछ काम ना करूं, समझ कि उसकी माँ ने कहा था ना बहुत अच्छे से पालना, मेरे बच्चों को बहुत अच्छे से पालना उसने कहा था, तो कह रही है कि इट वॉज देयर डाइंग मदर्स रिक्वेस्ट, ये उसकी मरने वाली माँ की ये प्रार्थना थी, दैट आई शुड डू नो सच थिंग, मैं ऐसा कोई काम या ऐसी कोई काम ना करूं, देयर डाइंग मदर न्यू नथिंग अबाउट द मैटर, उसकी मरने वाली माँ इस मामले के बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर सिस्टर द लार्क, लार्क ने आग्रह करके कहा, कह रहे इसकी उसकी माँ को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, वो तो अपना मर के चली गई, समझाया, लेकिन उसके बाद बच्चों को खिलाने की चीजें कहाँ से आएंगी ये उनकी माँ को कुछ नहीं पता था, वो कह रहा पर सिस्टर द लार्क, लार्क ने आग्रह करके कहा, बट वाई डू यू आस्क मी, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं, एंड देन डिसबिलीव, तो फिर आप उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हैं, व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूँ, फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि इनको क्या क्या खिलाना है, और फिर देखिए बिलीव का अपोजिट है डिसबिलीव, विश्वास ना करना, एंड देन डिसबिलीव, फिर आप उस बात पर विश्वास नहीं कर रही हैं, व्हाट आई से, जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है, आगे देखिए, यू हैव नाइदर फेथ नॉट ट्रस्ट, ना तो आपको उस पर विश्वास है और ना आप फेथ है, मतलब ना तो आपको उस पर विश्वास है
और ना ही आप उस पर विश्वास। कैटरपिलर ने कहा, नहीं माने नहीं, बट यू डू नॉट, ओ आई बिलीव एवरीथिंग आई एम टोल्ड, मुझे जो कुछ भी बताया गया है मैं उसकी हर चीज पर विश्वास करती हूँ। सेड द कैटरपिलर, कैटरपिलर ने कहा, क्या कहा कि ने बट यू डू नॉट, रिप्लाइड द लार्क, लार्क ने उत्तर दिया ने नहीं, बट यू डू नो, लेकिन आप नहीं जानती हैं, यू वुड नॉट बिलीव मी इवन अबाउट द फूड, अभी यू वुड नॉट बिलीव मी, आप उस पर विश्वास नहीं करती हैं, यहाँ तक कि अबाउट द फूड, भोजन के बारे में भी आप विश्वास नहीं कर रही हैं, एंड एट फिर भी दैट इज बट ए बिगिनिंग ऑफ व्हाट आई हैव टू टेल यू, फिर भी मैं जो कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, आप विश्वास नहीं करती हैं, फिर भी दैट बट इट इज ए बिगिनिंग, फिर भी मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूँ, किस चीज की शुरुआत, व्हाट आई हैव टू टेल यू, जो कुछ मुझे आपको बताना है उसकी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, क्या बताना है कि वाय कैटरपिलर, व्हाट डू यू थिंक दोज लिटिल एग्स विल टर्न आउट टू बी, अब कहती क्यों कैटरपिलर, व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचती हो, दोज लिटिल एग्स विल टर्न आउट टू बी, इन ये जो छोटे छोटे अंडे हैं इनसे जो है अंडे देने के बाद जो बच्चे बनेंगे इनसे कब ये अंडे बाहर आएंगे, यानी कब ये अंडे फूटेंगे, देखिए दोज लिटिल एग्स विल टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी, कब अंडे से बच्चे बन के संसार में आएंगे, मतलब ये अंडे कब फूटेंगे, कहते हैं तो बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कहती है टू बी श्योर, सेड द कैटरपिलर, उसने कैटरपिलर से कहा कि आप इस बात के लिए श्योर हैं, बटरफ्लाई मतलब वही बटरफ्लाई के बच्चे से जो निकलेंगे, टू बी श्योर, क्या आपका श्योर है कि इसके तितली के बच्चे इससे बाहर आएंगे, समझाया, बटरफ्लाईज मैंने तितली के बच्चे, टू बी श्योर सेड द कैटरपिलर, कैटरपिलर ने कहा, कैटरपिलर कहती है सेड द लार्क, कैटरपिलर ने लार्क से कहा, यानी जो कैटरपिलर है उसने लार्क लवा से कहा, एंड यू ऑल फाइंड इट आउट दिस टाइम, आप इस समय इन्हें देख सकते हैं, एंड द लार्क फ्लू अवे, और इतना कहकर लार्क जो था वो क्या हो गया, लार्क क्या हो गया, उड़ गया, देखिए यू विल फाइंड इट आउट दिस टाइम, आप इस समय इसलिए इनका पता लगा सकते हैं, एंड द लार्क फ्लू अवे फॉर ही डिड नॉट वांट टू स्टे, तो लार्क जो था वो फ्लू अवे हो गया, उड़ गया, एंड फॉर ही डिड नॉट वॉन्ट टू स्टे, क्योंकि अब वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहता था, एंड कॉन्टेस्ट द पॉइंट विद हिज फ्रेंड, और इसके विपरीत वो उसने अपने मित्र के सामने पॉइंट रखी, एंड कॉन्टेस्ट द पॉइंट विद हिज फ्रेंड, और अपने मित्र के साथ उसने इसका इसके विपरीत काम किया, विपरीत कॉन्टेस्ट माने विपरीत, विरोध, विरोध किया, आई थॉट द लार्क हैड बीन वाइज एंड काइंड, कहता मैंने सोचा कि लार्क जो था वो बहुत बुद्धिमान और बहुत दयालु होगा, ऑब्जर्व द माइल्ड ग्रीन कैटरपिलर, जैसा कि उस कोमल, माइल्ड माने हल्का भी होता कोमल भी होता, उस कोमल वो हल्की हरी कैटरपिलर ने जैसा कि उस पर ऑब्जर्व किया, उस पर ध्यान दिया, क्या सोचा कि लार्क जो है वो बहुत बुद्धिमान होगा और बहुत दयालु होगा, वंस मोर बिगिनिंग टू वॉक अराउंड द एग, अब एक बार फिर वो अंडे के चारों ओर घूम, बट आई फाइंड, लेकिन मैंने पाया दैट ही इज फुलिश एंड सॉसी इंस्टेड, वो इसके बजाय बड़ा मूर्ख था और कैसा था कुछ भी मालूम नहीं था, सॉसी, पर इस ही वेंट अप हाई दिस टाइम, शायद वो इस समय बहुत ऊंचा उड़ गया होगा, आ इट इज ए पिटी, वाह क्या बात है, क्या बात है, वेन पीपल हु सोर एंड हाई आर सिली एंड व्यूड नेवरथलेस, कहते हैं वेन पीपल हु सोर, वो लोग जो सोर माने ऊपर उड़ते जाते हैं, हु सोर सो हाई, इतनी ऊंची तक उड़ते जाते हैं, आर सिली वे बड़े मूर्ख होते हैं, एंड रूड, और रूड का अर्थ असभ्य से भी होता है, और रूड का अर्थ आपका अशिक्षित से भी होता है, धूर्त से भी होता है, डियर आई स्टिल वंडर होम ही सीज, फिर भी मैं ये सोचता हूँ होम ही सीज, जिसको उसने देखा, एंड वॉट ही डज बी एंड वॉट ही डज अप योंडर, कि वो वहां योंडर माने क्या होता है, सामने भी होता, और ये वहां पर जाकर क्या करेगा, आई वुड टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, आई वुड टेल यू इफ ही वुड बिलीव मी, कि यदि वो मुझ पर विश्वास करता है, सैम द लार्क, लार्क ने कहा डिसेंडेड वंस मोर, तो एक बार वो पुनः फिर नीचे उतरेगा, डेढ़ साल बच्चों, अब इसके बाद हम आपको इसके अलावा बात कल बताएंगे, अब हम आपको एक क्वेश्चन आंसर का
वीडियो दे रहे हैं, आप लोग अपना उसको